हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीए थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर सत्ता अथॉरिटी। सत्ता की अनेक व्याख्याएं की गई हैं, परंतु अपने सभी रूपों में सत्ता राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति, प्रभाव एवं नेतृत्व आदि का मान्य एवं स्वीकृत स्वरूप है। यह शासकों को कम से कम राजनीतिक साधनों के प्रयोग द्वारा शासन करने में सक्षम बनाती है, इसलिए सत्ता को राजनीतिक व्यवस्था की आत्मा कहा जाता है। फैट्रिक के अनुसार सत्ता शक्ति की तर्कसंगतता के विस्तार पर आधारित है, अर्थात शासक जब अपनी शक्ति का प्रयोग अनुनय, विश्वास एवं तर्कसंगतता के आधार पर करता है तो उसकी शक्ति सत्ता रूप में ले लेती है। सत्ता के बिना शक्ति का रूप नान शक्ति का हो जाता है। बीच के अनुसार दूसरों के कार्य को प्रभावित एवं निर्देशित करने के औचित्यपूर्ण अधिकार को सत्ता कहते हैं। एरिक रोवे के अनुसार सत्ता व्यक्ति का या व्यक्ति समूहों का राजनीतिक विनिश्चयों के निर्माण तथा राजनीतिक व्यवहारों को प्रभावित करने का अधिकार है। यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार सत्ता वह शक्ति है जो स्वीकृत सम्मानित ज्ञान एवं औचित्यपूर्ण हो। लालवेल एवं केपलॉन के अनुसार सत्ता औपचारिक शक्ति है। सत्ता की प्रकृति नेचर ऑफ अथॉरिटी। सत्ता की प्रकृति के संबंध में प्रमुख रूप से दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है जो निम्न प्रकार से हैं: औपचारिक सत्ता सिद्धांत, सत्ता का स्वीकृति सिद्धांत, औचित्यपूर्णता के प्रकार एवं वर्गीकरण काइंड्स एंड क्लासिफिकेशन, दैवीय औचित्यपूर्णता, नागरिक औचित्यपूर्णता। मैक्स वेबर ने सत्ता की तरह औचित्यपूर्णता के तीन आधारों की कल्पना की है: पारंपरिक, बौद्धिक कानूनी, करिश्मात्मक। अब इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, स्वयं शक्ति नहीं, यह कथन किसका है? बाय स्टेट का। द नेचर ऑफ अथॉरिटी के लेखक कौन है? टेमन बोन। सत्ता का प्रमुख कार्य है समन्वय करना, नियंत्रण करना, अनुशासन बनाए रखना। हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ पुस्तक के लेखक कौन है? लासवेल। तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक हैं मैक्स वेबर। दी पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज नामक पुस्तक की रचना की गई थी आमंड एंड कोलमैन के द्वारा। किसने कहा है कि सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है? बर्नार्ड बारबन ने। शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व क्या है? वैधता। सत्ता के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है यथार्थवादी सत्ता। सत्ता का परंपरागत सिद्धांत आधारित नहीं है कानून। सत्ता के नौकरशाही सिद्धांत के समर्थक हैं मैक्स वेबर। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य शोषण का यंत्र है। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है कल्याणकारी राज्य। पुलिस राज्य की अवधारणा संबद्ध है अराजकतावादियों से। व्यवस्था अनुशासन तथा सत्ता का नारा किसने दिया? मार्क्स ने। ओलिगार्की का लॉ कानून सिद्धांत किसने दिया था? मिसेल्स ने। सत्ता का परंपरागत सिद्धांत आधारित नहीं है कानून। लॉक की प्रसिद्ध कृति का नाम है लॉज। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा रचित नहीं है? दर्शन की दरिद्रता। किसका विचार है कि शक्ति से अभिप्राय राजनीतिक शक्ति से है? मार्गेंथाउ। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के स्रोतों की संख्या है तीन। सत्ता को किसने क्रियाशील शक्ति कहा है? हर्बर्ट साइमन ने। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के लेखक कौन है? हर्बर्ट साइमन। जिसे केवल संकल्प, इच्छा या प्राथमिकता के आधार पर चाहा जाता है उसके औचित्य को तार्किक प्रक्रिया के द्वारा सिद्ध करने की क्षमता को सत्ता कहते हैं, यह कथन किसका है? कार्ल फ्रेडरिक का।